राजस्थान में राज्यसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सरगर्मियां बढ़ने लगी, जहां प्रदेश की दो सबसे बड़ी पार्टियों के दिग्गज दिल्ली दौरे पर हाईकमान से मुलाकात कर रणनीति बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर निर्दलीय विधायकों की डिनर पॉलिटिक्स ने राजस्थान में सियासी हलचल तेज कर दी। राजस्थान के सियासी गलियारों में वायरल तस्वीर को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही है और अब लोग इस मुलाकात के सियासी मायने समझने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर में डीडवाना के विधायक यूनुस खान, श्री विधायक रविंद्र सिंह भाटी, बाड़मेर विधायक प्रियंका चौधरी, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रपाल सिंह, बयाना विधायक रितु बनावत और संचोर विधायक जीवराम चौधरी डिनर टेबल पर साथ बैठे नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर यूनुस खान के जन्मदिन पर जयपुर की एक होटल में आयोजित की गई पार्टी के दौरान ली गई। खान ने इन सभी को पार्टी का निमंत्रण भेजा था। कहा जा रहा है कि इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। इन नेताओं में से कई विधायक वसुंधरा गुट के माने जाते हैं। ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से पहले निर्दलीय विधायक एकजुटता का प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। अशोक गहलोत सरकार में निर्दलीय विधायकों का अपना दबदबा था, उनकी बात सुनी जाती थी, उनकी मांगे मानी जाती थी, क्योंकि गहलोत सरकार को निर्दलीय विधायकों की जरूरत थी। पायलट की बगावत के बाद सरकार निर्दलीय विधायकों पर निर्भर हो गई थी। हालांकि राजस्थान में बीजेपी सरकार को कांग्रेस की तरह निर्दलीय विधायकों की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सदन के अंदर और बाहर की सियासत में निर्दलीय विधायक अपनी अनदेखी से बचने के लिए इस तरह की कवायद कर रहे हैं। बीते दिनों रविंद्र सिंह भाटी ने विधानसभा के अंदर भजनलाल सरकार को बजट में उनके क्षेत्र की अनदेखी करने पर भी घेरा था, मगर उसके बावजूद सदन में बजट पास हो गया। ऐसे में निर्दलीय विधायकों की इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। सियासी जानकारों की माने तो आने वाले समय में राजस्थान की सियासत से जुड़ी कई बड़ी खबरें सामने आ सकती हैं। ऐसे तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।